हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस के बेसिक मैथ सीरीज राउंड 3 में, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं एरिया। और एरिया आयत का, वर्ग का, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्त, ये जितने भी 2D शेप्स हैं सभी का एरिया और पैरामीटर हम लोग कंप्लीट करेंगे इस बेसिक मैथ सीरीज राउंड 3 में। और ये जो वीडियो है ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, मतलब हम लोगों ने आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, जितने भी चतुर्भुज है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब इस सीरीज में बच गया है त्रिभुज और वृत्त। ठीक है, तो ये हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये सीरीज अगर आप कंप्लीट करते हो, सारे वीडियोज देखते हो ढंग से, तो आप को 2D शेप्स के एरिया और पैरामीटर में समस्याएं नहीं आएंगी। हम लोग इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ बेसिक एग्जांपल्स करते हैं, और बेसिक एग्जांपल्स के बाद हम लोग एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस करते हैं, और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं इसमें। ठीक है, एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस करते हैं और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल्स करेंगे, उसके बाद सर्किल करेंगे। तो इस सीरीज के जो क्लास नोट्स हैं वो डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, जो कि अगर आप मैथ का, आप मैथ पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत जरूरी होता है, तो वो और सॉल्यूशन डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस के, और डॉट जो कुछ भी आता है वो व्हाट्सएप पर पूछने के लिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करने के बाद फी पेमेंट के बाद आप ले सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके फी पेमेंट करने के बाद आप ले सकते हो ये सारी सुविधाएं। वीडियोज फ्री है, वीडियोज देख के आप खुद से भी नोट बनाना चाहो तो बना सकते हो, या वीडियोज केवल देख भी लेते हो ढंग से बिना स्किप किए हुए, तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन किसी भी चीज में, मतलब मैथ में, अगर आप परफेक्शन चाहते हो, मतलब चाहते हो कि इसमें मतलब एक्यूरेसी ज्यादा हो और आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा समझ में आए, तो उसके लिए क्लास नोट्स, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो होते हैं डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चन। तो वो सब चीजें लेने के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, उसके बाद आप ये चीजें ले सकते हो, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब जो हम लोग करेंगे वो करेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। त्रिभुज आप जानते हैं कि त्रिभुज जो होता है उसमें तीन भुजाएं और तीन कोण होता है। त्रिभुज में क्या होता है, तीन भुजाएं और तीन कोण। ठीक है, जैसे ये ABC एक त्रिभुज है, तो इसमें तीन भुजा है, यह हो गया पहली भुजा, ये हो गया दूसरी भुजा, और ये हो गया तीसरी भुजा। तीन भुजाएं, ठीक है, और कोण कितने होते हैं इसमें, तीन कोण होते हैं। जैसे ये हो गया कोण B, ये हो गया कोण A, और ये हो गया कोण C। तीन कोण, तीन भुजाएं त्रिभुज में। ट्रायंगल का मतलब होता है जिसमें तीन भुजाएं हो और तीन कोण हो, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है, इस ये जो सीरीज आप देखोगे तो आपका डाउट इसलिए क्लियर हो जाता है, और बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है वो इसलिए क्लियर हो जाता है क्योंकि हम अलग अलग करते हैं सबको। जैसे ट्रायंगल्स एक ही वीडियो में नहीं कंप्लीट करते, जैसे समकोण त्रिभुज के बारे में अलग से पढ़ेंगे, समबाहु त्रिभुज के बारे में अलग से पढ़ेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में अलग से पढ़ेंगे, और समबाहु त्रिभुज के बारे में अलग से पढ़ेंगे। ये चारों अगर अलग अलग हम लोग कर लेते हैं तो सारा डाउट्स क्लियर हो जाता है। ठीक है, एक ही वीडियो में सब कुछ कर लेते हैं तो चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती है, अगर सभी को अलग अलग कर लेते हैं तो चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आने लगेंगी। ठीक है, और डाउट रहेगा नहीं, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम सोचते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज कर ले। इसके पीछे कारण ये है, देखिए विषमबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो, तीन भुजाएं होंगी और तीनों भुजा की लंबाई जो है वो अलग अलग होगी। मतलब ABC अगर ये विषमबाहु त्रिभुज है तो AB बराबर नहीं होगा BC के, और BC भी बराबर नहीं होगा AC के। तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, तीनों कोण अलग अलग होंगे, तीनों कोण भी बराबर नहीं होता है। जब भुजाएं बराबर नहीं होंगी तो कोण भी बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो विषमबाहु त्रिभुज हम लोग पहले इसलिए पढ़ लेंगे क्योंकि अगर देखिए विषमबाहु त्रिभुज आप अगर जान जाते हो तो विषमबाहु त्रिभुज का जब भी आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो इसकी तीनों भुजाएं दी हुई रहेगी, तीनों भुजाएं आपको पता रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा तीनों भुजा की लंबाई, और तीनों भुजा की लंबाई अगर पता हो तब आप इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। पैरामीटर तो खैर कुछ नहीं, जो भी भुजाएं हैं सभी को ऐड कर दो तो वो पैरामीटर हो जाता है,
वो भी हम एग्जांपल में करेंगे, लेकिन वो तो सिंपल सी बात है, तीनों भुजा है, तीनों को जोड़ देंगे तो वो पैरामीटर हो गया। समस्या आती है कहाँ, वो एरिया में। तो जब हम एरिया सीख जाएंगे विषमबाहु त्रिभुज का, जब हम विषमबाहु त्रिभुज का एरिया सीख जाते हैं, क्षेत्रफल निकालना सीख जाते हैं, तो होगा क्या, जब भी समद्विबाहु त्रिभुज होगा और उसकी तीनों भुजाएं होंगी, या समबाहु त्रिभुज हो उसकी भुजाएं पता हो, या समकोण त्रिभुज हो उसकी तीनों भुजाएं पता हो, तो हम ये वाला जो फॉर्मूला जो भी समबाहु त्रिभुज में यूज होगा, जो प्रयोग में आएगा, वो हम सभी ट्रायंगल्स के लिए यूज कर सकते हैं। सभी त्रिभुज के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो भी समबाहु त्रिभुज में हम लोग यूज करेंगे वो आप समद्विबाहु में यूज कर सकते हैं, समबाहु में यूज कर सकते हैं, समकोण में यूज कर सकते हैं। वैसे जरूरत नहीं है, बस आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन आपको करना नहीं है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो लॉन्ग प्रोसेस होगा, और ये जब समद्विबाहु है, समबाहु है और समकोण त्रिभुज है, तो इसके लिए अपना एक अलग छोटा सा फॉर्मूला होता है, आसान हो जाता है, वो अलग होता है। लेकिन जानना तो आपको पड़ेगा ना कि मतलब कैसे कैसे ये चीज़ें होती है, विषमबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला है उससे कैसे इन सभी को कैलकुलेट किया जा सकता है, वो आप एक बार सीख जाओ, उसके बाद जो है आप अपने हिसाब से मतलब इसका जो फॉर्मूला है वही यूज करना, ठीक है। पहले विषमबाहु करेंगे, उसके बाद दो नंबर में हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज करेंगे, तीन नंबर में समबाहु करेंगे, और चार नंबर में समद्विबाहु करेंगे, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण मतलब 90 डिग्री का हो, जैसे यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री का है, तो एक कोण समकोण हो, बाकी दो कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा कोण। क्योंकि देखिए त्रिभुज की का जब तीनों कोण अगर ऐड करोगे, मान लीजिए ए बी सी एक जैसे ट्रायंगल है, और तीनों एंगल्स तीनों कोण को अगर हम जोड़ देते हैं, किसी भी त्रिभुज का अगर तीनों कोण हम जोड़ते हैं तो वो 180 डिग्री हो जाता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एक अगर 90 हो गया तो बाकी दो 90 से छोटे छोटे होंगे, इस दोनों को जोड़ने पर, इस दोनों को बाकी जो 90 डिग्री का है उसको छोड़कर जो दो कोण बच गए उस दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री होगा, तभी तो एक 90 है, और उस दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा, तभी उस दोनों तभी हम टोटल ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये सभी हम डिटेल्स में बात करेंगे, अभी हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, मतलब जो भुजाएं दी गई है, मतलब ये सभी भुजाएं बराबर होंगी, तीन भुजाएं हैं तो तीनों की लंबाई बराबर होगी। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या हो जाता है, उसकी दो भुजाएं बराबर होती है, क्या होती है, दो भुजाएं बराबर होती है, मतलब ये वाली भुजा बराबर है इसके, तो ये दोनों बराबर होगी, ये बराबर नहीं होगा, मतलब दो भुजाएं बराबर होती है और दो कोण भी बराबर होते हैं। जब दो भुजाएं बराबर होगी तो दो कोण बराबर होंगे, ठीक है। तो सभी को हम डिटेल्स में बताएंगे कि दो भुजा बराबर है तो कौन सा दो कोण बराबर होगा, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, समबाहु त्रिभुज में कैसे करना है, समकोण त्रिभुज में कैसे करना है, विषमबाहु त्रिभुज में कैसे करना है। और ये जो समकोण त्रिभुज है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि इसका जो यूज है वो ज्यादा है, प्रयोग में ज्यादा आता है समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। समकोण त्रिभुज को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, समबाहु त्रिभुज को क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज को आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज को स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीजों को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, और वीडियो को अगर आप लोग ध्यान से देखते हो, केवल वीडियो भी अगर ध्यान से देख लेते हो तो सभी चीजें समझ में आ जाएंगी। परफेक्शन के लिए आप जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करके इसका क्लास नोट्स, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सॉल्यूशन ऑफ डीपीपी और कोई भी डाउट हो तो वो व्हाट्सएप पर पूछने का जो है उसके लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करने के बाद, फी पेमेंट करने के बाद ले सकते हो, और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे इसको और डिटेल्स में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो कुछ भी आपके मन में है तो वो कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।